ये जड़ी बूटियों का धंधा नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रेम से ये पानी पिला रहा हूँ मैं। एक बोलचाल का भी जादू है। हाँ। ये असर कर जाता है। भी आदमी थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हुए आते हैं, धीरे धीरे उनकी परेशानी हवा हो जाती। जी आज मैं लेके आ गया हूँ आपको एक ऐसी जगह पे जो आपने ना कभी देखी होगी, जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है जो शायद हमें रोजाना पीना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम है साजन। साजन मेरा नाम है, नाम से आपका। अच्छा, नाम में कुछ नहीं रखा मेरे। नाम का क्या मतलब है आदमी, नाम इसीलिए तो हाइट ला रखो, नंबर दो, नाम दो, ये दो, फलाना दो, ढिमका दो, इससे मतलब क्या है? मतलब ये है आपको कि आप काम देखें, ये काम हमारे योग्य है या नहीं, और इससे हमको जेन्युइन समाज में फायदा है या नहीं। क्या बात है सर, क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? ये जड़ी बूटियों का धंधा नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रेम से ये पानी पिला रहा हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। ये सब सारे जूस को मिक्स करके बना? हाँ जी हाँ, इसमें हम 16 आइटम डाल करके और प्रेम पूर्वक बना करके और इन सब अपने प्रेमियों को ठग लेता। मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ कार्यक्रम। ये देखिए, ये जामुन के पत्ते हैं जो मैं अपनी मात्रा से डालता हूँ, किसी की मात्रा से नहीं। और ये है नीम के पत्ते, और ये तीसरा करेला, करेला भी डालते नीम पे चढ़े करेला। नीम, करेला, ये तीनों चीज इंगेज करके मैं इसको जार में डाल। बिल्कुल, तभी तो हम उनको सजेस्ट भी करते हैं कि जो खाते हैं करेला, उनके स्किन प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं, कोई खुजली, कोई फोड़ा फुंसी, कोई दांत खाज नहीं होने वाली। वो खा मखा खुजलाते रहे, कहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खून ही जब साफ रहेगा तो ऐसी कोई भी बात आपको नहीं हो सकती। ये है एलोवेरा, इसको देखे, ये एलोवेरा। अब वो सब डाले, ये सब अभी नहीं डाला हूँ, स्टार्ट द पीरियड। ये है कच्ची हल्दी, ये कच्ची हल्दी है, ये है अदरक, जी हाँ, और ये है गिलोय। हम हर चीज रोज डालते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन डाला दूसरे दिन गायब हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोविड से कई 8 साल से मैं हूँ। ये घिया है, जी हाँ, ये घिया। और ये है एलोवी आंवला, ये आंवला डाला था। ये व्हीट ग्रास, ये है गेहूं की ज्वार, जी हाँ, ये व्हीट ग्रास हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, खून को बढ़ाती है और भी कई बीमारियों को रद्द करती है। तो ये अश्वगंधा, और ये है अर्जुन की छाल, ये हार्ट संबंधित दिल की बीमारी के लिए, श्वासों से संबंधित कोई बात हो एक्टिव रहती है अर्जुन की छाल। और ये है चिरायता, ये चिरायता जड़ी बूटियों में नंबर 1 क्वालिटी पे आता है खून की सफाई करने में, और इसका सेवन आप घर में भी रह करके अकेले भी इसका सेवन कर सकते हैं। खाली पेट सवेरे सवेरे, रात में भिंगो दें और सवेरे छान के पी लें, काम तमाम है, बड़ी सिंपल। भाई वाकई आज के ज़माने में ये मंजर देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एज एन इंडिविजुअल भी और एज अ पर्सन जो हेल्थ को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है। यहाँ पे लोग सुबह 6 बजे से लाइन लगाते हैं, 10 बजे तक इसी तरीके का मंजर रहता है। सारे वो लोग आते हैं जो कि अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लोग सैर करके आते हैं, लोग सुबह उठ के आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो ये जूस पिला रहे हैं ना, ऐसा जूस आपको शायद कहीं और मिलता नहीं है, और जिस सेटअप से, जिस इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल ये कर रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। गाइज, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, कभी भी अगर आप आए ना कृष्णा नगर में, तो इनके पास आके इनका जूस पिए बिना जाइएगा मत, और यकीन मानिए उसकी लत लग जाएगी अगर आप यहाँ रहते हैं तो। अंकल आप कब से पी रहे हैं? ये बुजुर्ग हैं हमारे अंकल, आप कब से आ रहे हैं? हाँ जी, कब से आ रहे हैं? मेरे को तो हो गया बहुत टाइम हो गया। अच्छा। और ये पे मेरे आज 83 साल की उम्र है, पहले ही चलता हूँ मैं। क्या बात है, सुकुटर खड़ा हुआ बस, वो सिर्फ आने जाने के लिए है,
और डेली आ रहा है यहाँ, कुछ भी हो जाए बरसात आ रही है तब भी आ रहे हैं। इनके जूस के लिए क्या कहोगे? हैं जी, इनके जूस के लिए क्या कहोगे? बहुत बढ़िया चीज है, बहुत, मैं पेट की कोई बीमारी से नहीं रहती। अच्छा, ऐसी भी? अच्छा, मॉर्निंग रूटीन है आपकी यहाँ जूस पीने का? क्या बात है, है इनका एक बोलने का भी जादू है, इससे एक बड़ा असर पड़ता है। और ये नेचुरली चीजें हैं सब, जो हम प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं उनका हमें मालूम ही नहीं होता कि क्या चीज हमें डाल के दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ये नेचुरली हमारे सब चीज हमारे सामने डाल के उन्हें पिलाते हैं, इससे हर चीज में शुगर में बीपी में सब चीज का कंट्रोल होता है। इसके अंदर 16 आर्टिकल्स हैं, 16 के 16 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट कोई ना कोई एडवांटेज है ही है, उसीलिए ये इतनी फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। इसके बिना अब हमारी लाइफ शायद अधूरी हो चुकी है, हम इसके बिना चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी हम छोटी मोटी बदपरहेजी कर भी लें तो ये इसको कवर अप कर देता है। यू हैव टू कम हेयर वंस। और इतने बड़े बुजुर्ग जो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो आप ज़रा खुद अनुमान अंदाज़ा लगाइए कि कितना सच होगा और कितना ज़्यादा स्वाद और कितना ज़्यादा हेल्दी होगा ये जूस आपके लिए। कहने की टोटल, अगर कोई भी अंदर डिजीज हो और ना हो तो भी जो भी आदमी थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हुए आते हैं, धीरे धीरे उनकी परेशानी हवा हो जाती, क्योंकि ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये शुद्ध आयुर्वेद है। आयुर्वेद जड़ में जाके काम करती है और जड़ से बीमारियों का नाश करती है। देखिए भाई, तैयार होते ही यहाँ पे सबने एक एक गिलास उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब की जाएगी सर्विंग। और ये मतलब इतनी ज्यादा भीड़ है ना यहाँ पे किसको पीने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये अभी से नहीं, सुबह 6 बजे से यहाँ पे लग जाती है। पूरे इंडिया गया हूँ, ट्रैवल किया है, लेकिन सुबह 6 बजे मैंने कहीं पे भी ना इतना ज्यादा रश, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं देखी है, वो भी एक ऐसी ड्रिंक के लिए शायद जो आपको या मुझे पसंद ना आए। भाई इतने ज्यादा लोग दीवाने हैं ना इस ड्रिंक के कि वो आपने यहाँ पे आके अनुमान लगा के, वो आपने इस भीड़ को देख के अंदाजा लगा ही लिया होगा। भाई लोग लाइन लगा लेते हैं सुबह 6 बजे से इनकी इस ड्रिंक को पीने के लिए। इस ड्रिंक के अंदर है बहुत सारे बेनिफिट्स जो कि आपके हार्ट के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है ना कि अगर आपने वो कह रहे हैं 7 दिन रोज़ाना पी लिया ना, तो आई डोंट थिंक सो आपको कुछ और करने की ज़रूरत भी है। कसरत करिए, सुबह उठिए और इसका सेवन कीजिए, यू विल बी फिट एंड फाइन। 15 अलग अलग चीज़ों से बनाया गया, करेला भी है, अश्वगंधा भी है, गिलोय भी है, नीम भी है, लौकी भी है, उसके बाद व्हीट ग्रास भी है, बहुत सारे इंग्रीडियंट्स डालते हैं। पी के बताता हूँ कैसा है। कड़वा ज़रूर है, लेकिन इसके बेनिफिट्स आप तभी जानेंगे जब आप इसको, इसका सेवन करना शुरू करेंगे। ऐसे ही नहीं, लोग इतने ज़्यादा दीवाने हैं यहाँ पे आके इनका इस जूस को पीने के लिए। भाई मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया है ना कि मतलब एक बार अगर आप आ गए तो बार बार आएंगे, इस बात की श्योरिटी गारंटी मैं देता हूँ। आइएगा, पीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रिकमेंडेशन। इस जूस को पीने के बाद यहाँ पे मैंने देखा है अक्सर लोग बीटरूट और साथ में आंवला लेते हैं नमक में डाल के, और साथ में उसके स्प्राउट्स खाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का है ये छोटे वाला गिलास और 20 रुपये का है ये बड़े वाला गिलास। इससे सस्ता इतने सारे इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ज़रूर आइएगा, ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रिकमेंडेशन।